हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग स्काउट जैसे लोगों अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बताऊंगा कि जो मैंने यहाँ पे आईज़ बनाई है, जिस टाइप के मैंने हेयर बनाया है, मास्क बनाया है, ये सब मैंने कैसे बनाया है, सब चीज़ एकदम डिटेल में कवर करूँगा। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको ये अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे पकड़ा हुआ है, मतलब ऐसे पकड़ा हो तो इसको एकदम स्ट्रेट कर लिए, तभी आप इस वीडियो को सही से देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इमेज को इन्फिनाइट डिज़ाइन में ओपन कर लिया। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेयर से। तो देखिए मैंने ब्लैक कलर ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैं हेयर की पूरी आउटलाइन करना शुरू करूँगा। मैंने पेन टूल लिया हुआ है और लैसो ब्रश से यहाँ पर पूरी मैं हेयर की आउटलाइन करूँगा और उसके बाद मैं हेयर के जो साइड वाला पार्ट है उसकी आउटलाइन करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आगे हेयर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, थोड़ा सा स्टाइल जो बना हुआ वो मैंने हल्का सा बनाया, बाकी हम यहाँ पर जो है शेडिंग करके बनाएंगे टेपर्ड वाले ब्रश से, तो वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा मैंने कैसे बनाया। तो अभी बस आप समझ लीजिए एक तरीके से रफली स्केच इसका बना लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे आईब्रोज़। तो देखिए आईब्रोज़ मैं कैसे बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक छोटा सा पतला सा स्ट्रोक दिया ब्रश का, उसके बाद मैंने एक और दिया, उसमें मतलब मैंने तीन टाइप के उसमें कॉर्नर्स निकाले, ऐसे करके आपको बनाना है या फिर आपकी जैसे मन करे। सिर्फ एक फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप पूरी आईब्रो को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स पार्ट्स में बना रहा हूँ, तो इससे ये रहेगा कि हमारी आईब्रो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो बना रहे हो लेफ़्ट और राइट दोनों आईब्रोज़ आपकी एकदम आइडेंटिकल लगें। छोटी बड़ी अगर हो जाएंगी तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी और आपको देखने में भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आइडेंटिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। आप पहले जैसे बना लें उसके बाद जूम आउट करके ज़रूर देखिए कि आपकी जो आईब्रोज़ बनाइए या फिर आईज़ जो आप बनाएंगे वो सही से बन रही है या नहीं। अगर मान लीजिए नहीं बन रही तो उसको सही करिएगा, वरना फिर सही नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे बना रहा हूँ आईब्रोज़ में, जितनी ज़्यादा आप ये इस टाइप के जो मैंने कॉर्नर्स निकाले हुए हैं ब्रश के स्ट्रोक, ऐसे अगर आप जितना ज़्यादा बनाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। अब उसके बाद देखिए आई में क्या करना है, यहाँ पर बस नॉर्मली हमें इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए मैंने कितने एरिए की आउटलाइन ड्रॉ करी है, ऐसे ही आपको भी करना है। नीचे पे मैंने पूरा मिलाया नहीं, नीचे का थोड़ा पार्ट हटा दिया है, वही सेम चीज़ दूसरी आई पे भी हमें करना है। तो ये ध्यान रखना आपको भी है कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आई को, क्योंकि अगर पूरा मिला देंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा बीच में गैप उनके रखें। और ये देखिए मैं लैसो से कैसे बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि थोड़े बहुत कॉर्नर्स ज़रूर बनाइएगा आई पे, तो उससे हमारा जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि रफ़ स्केच मतलब पूरी आउटलाइन बना ले। अब देखिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टूल ले लिया है सिमेट्रिक वाला, उससे मैं क्या करूँगा कि राइट लेफ़्ट साइड पर मास्क बनाऊँगा पूरा और राइट साइड पर उसकी इमेज सिमेट्रिक वाली अपने आप बनती जाएगी। तो इसकी आपको प्लेसिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी कि एकदम सही से इसको प्लेस करें, जिससे कि ये जो आपका है मतलब जब आप प्लेस करेंगे तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसे ही बन जाए जैसा इमेज के बाहर ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग से इतना एग्जैक्ट प्लेस हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि इतना सही रखें कि आप जो भी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए और बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे। अगर आप यहाँ पे इमेज को देखें तो मेरी राइट साइड वाली जो इमेज है मास्क की, उससे आउटलाइन थोड़ी सी बाहर जा रही है, वो इस वजह से क्योंकि प्लेसिंग सही नहीं है। और ये वाली जो इमेज है ये भी सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। लेकिन आप लोग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी बनाइएगा, बस प्लेसिंग ध्यान रखिएगा कि इतना ज़्यादा फ़र्क ना आए उसमें। उसके बाद आप लोग देखिए मैं कैसे डिटेल्स बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पूरे जो आउटलाइन है वो सारी ड्रॉ करी है, उसके बाद देखिए मैं कैसे इसमें डिटेल्स बनाऊंगा वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लैसो ले लिया है और लैसो लेने के बाद मैं यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं उनको और ज़्यादा शार्प और यहाँ पे मतलब थोड़े से जो ब्रॉड होता है थिक करूँगा कॉर्नर्स को, और बाकी यहाँ पर जो और थोड़े से कर्व्स टाइप बने हुए हैं उन सबको बनाऊँगा, जिससे कि हमारा जो मास्क है उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल आएगी। तो इस जितना ज़्यादा हमारा मास्क डिटेल्ड वाला होगा उतना ही ज़्यादा हमारी जो पिक है वो अच्छी लगेगी। और अगर आप इसकी प्लेसिंग सही से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना फिर क्या होगा कि मास्क अजीब हो जाएगा, चेहरे से बाहर ही निकल जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल टूल की प्लेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि एकदम एक्यूरेट रहे, वरना फिर आपको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप ये इमेज जो स्काउट की मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा सा राइट साइड से मुड़ी हुई है, इस वजह से जो मेरी राइट साइड की जो सिमेट्री वाली इमेज बन रही है वो थोड़ी बाहर जा रही है। मगर उससे कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि हम जब जो पूरा मतलब डिस्प्ले आउटलाइन ऑफ करके और पूरा जब इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो इमेज है वो सही लगेगी। अभी आपको तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद जब मैं अभी इनेबल करूँगा डिस्प्ले आउटलाइन को, डिसेबल करूँगा, तब आपको दिखेगा कितना ज़्यादा ये सही लग रहा है।
और मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगा इसको बनाने में वो मास्क ही है, क्योंकि मास्क में काफ़ी ज़्यादा डिटेल है और बहुत देख के बनाना पड़ता है, क्योंकि पिक की जो क्वालिटी है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने जूम करा और डिटेल्स ही नहीं विजिबल है, इस वजह से थोड़ा अंदाजे से भी बनाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, अगर आप मास्क देखें काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, बस लेफ़्ट और राइट का थोड़ा फ़र्क आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए, जो मैं यहाँ पर जो स्टेप बनाई है तो ये मैंने सिमेट्रिक टूल का यहाँ पर यूज़ नहीं करा, क्योंकि ये देखिए यूज़ करने में बाहर निकल गया इस वजह से। तो इसको हटा करके सिमेट्रिक वाला टूल हटा दें और उसके बाद ये वाली जो स्टेप्स है वो बनाएं, वरना फिर कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो नहीं बन सकते। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इमेज के अकॉर्डिंग जैसा इमेज में दिख रहा है वैसे यहाँ पर मैंने बना दिया। उसके बाद जो यहाँ पर जो चार थोड़े से स्ट्रिप्स निकली हुई हैं मास्क के, वो अगर वो भी आपको सिमेट्रिक से नहीं बनानी, क्योंकि वो बिल्कुल मिरर इमेज एक दूसरे की तो है ही नहीं, इस वजह से आपको वो ऐसे ही बनाना जैसा आपको इमेज में शो हो रहा है, या फिर आप अपने अंदाजे से भी इसको बना सकते हैं। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको आपको सिमेट्रिक से नहीं बनाना है, क्योंकि ये मिरर इमेज एक दूसरे की है ही नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बना दिया, मास्क हमारा काफ़ी अच्छा लगने लगा है। उसके बाद देखिए, आपको ये जो बियर्ड हल्की सी दिख रही है इमेज में वो बनानी है, और ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कर्व ना कर दें आप, वरना फिर फेस काफ़ी मोटा लगने लगेगा तो उतना अच्छा भी नहीं आएगा लुक यहाँ पे, तो वो ध्यान रखिएगा आप। और इसको भी सिमेट्रिक से नहीं बनाना है, क्योंकि फिर वो अलग चला जाएगा। बस मेन काम आपको क्या करना है कि मास्क का जो ऑफलाइन है वो बना लेनी है, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो अच्छी लगने लगे। वरना आप मान लीजिए लेफ्ट साइड पर बनाएंगे फिर उसको राइट साइड पर बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपसे डिफरेंस ज़रूर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इमेज का लुक इतना अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने सेगमेंट टूल से हटा दिया है, और ये मैंने सारा वर्क एक ही लेयर में करा था, तो सब एक चीज़ के ऊपर ओवरलैप थे, तो इस वजह से ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो सारे सेगमेंट टूल से रिमूव हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मास्क हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद देखिए करना क्या, फिर से सिमेट्रिक टूल मैंने ले लिया, अब यहाँ पर मैंने नेक का जो पार्ट है उसको बना दिया, जिससे हमारी और ज़्यादा इमेज क्लीन लगने लगेगी। और नेक वाले के बाद हमें क्या करना है, हुडी का जो कैप है वो नहीं बनाना है, शोल्डर्स बनाने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, हुडी का कैप नहीं बनाना है, क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं है इमेज में भी अगर आप देखें। वो बना देने के बाद यहाँ पे हुडी बिल्कुल देखिए, मैंने वो नहीं लिया हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला सिमेट्रिक टूल, मैं डायरेक्ट हुडी बना रहा हूँ, हुडी का कैप जो है वैसे ही आपको भी करना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक चीज़ है ही नहीं, तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको जो सिमेट्री वाली चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ये आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको सिमेट्रिक टूल को यूज़ करके बनानी है और कौन सी चीज़ बिना उसके यूज़ करें। अब देखिए, मैंने ये वाला जो है इसको टूल को यूज़ करके बनाया, क्योंकि उससे हमारा काम आसान हो जाएगा और ये चीज़ भी सिमेट्रिक बन जाएगी। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हमें सेगमेंट टूल से रिमूव कर देना है। अब देखिए, हमारा जो बॉर्डर आउटलाइन या स्केच रफ स्केच जो भी कह लिए वो हमारा बन गया, अब इसमें हमें कलर बस फिल करना है। और दोस्तों, इस टाइप की एडिटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैंने आपको बताया था कि मास्क है, और उसके अलावा जो मास्क का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, क्योंकि आप जो इसमें कलर करेंगे, जो ग्रेडियंट इसमें इफेक्ट डालेंगे और जो शेडोज़ ऐड करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका वेक्टर फाइनली कैसा लुक लेता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, कलर फिल करते टाइम भी आप यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक टूल है इसको ले करके रखिएगा, क्योंकि इससे ही मतलब आपको सिर्फ एक साइड पर काम करना पड़ेगा और दूसरे साइड पर अपने आप ही वो बनता चला जाएगा। और देखिए, मैं यहाँ पे कैसे कलर फिल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैंने एक लाइट कलर ले लिया है और उससे जितना भी मुझे लाइट पार्ट इमेज में दिख रहा है सबसे पहले तो मैंने उसको फिल करना शुरू करा। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, और मैंने आउटलाइन कुछ पार्ट जो है वो आउटलाइन के नीचे से भी बनाया और कुछ पार्ट आउटलाइन के बाहर भी निकाला, तो अलग अलग तरीके से बनाया, जैसे मुझे यहाँ पे विजिबल है कलर उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और मैंने ब्रश लैसो लिया हुआ है और लाइट कलर लिया हुआ है। अब देखिए, अगर आप मैंने अभी कलर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, और देखिए मैंने जो ब्लैक कलर से हाईलाइट्स बनाए थे अब वहीं पर मैं उसको ही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लाइट कलर से रिपीट कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लाइट कलर आपको भी इमेज में दिख रहा होगा। और देखिए, मैंने इसको पूरा नीचे तक नहीं मिलाया क्योंकि वहाँ पर लाइट कलर है ही नहीं, तो ऐसे ही आपको भी बनाना है। और मान लीजिए ये वाला अगर आपकी पिक में मास्क है ही नहीं, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं, आप बहुत आसानी से इस टाइप का वेक्टर बना लेंगे और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। और कलर फिल करते टाइम आपको कलर सिलेक्शन का काफ़ी सही ध्यान रखना है। देखिए, जो और मतलब डिस्प्ले आउटलाइन को ऑफ करके देखते रहिएगा, जो आप कलर फिल कर रहे हैं वो सही लग रहा है और जो आप कलर सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आप देखते रहिएगा। क्योंकि ये ऐसा ना करिएगा कि पूरा एक बार में बना दें और उसके बाद फिर आप डिस्प्ले आउटलाइन को इनेबल करके देखें कि आपका आर्ट जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर तो आपको मान लीजिए अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो पूरी मेहनत ही ख़राब हो जाएगी आपकी। तो ध्यान रखिएगा कि आप किस हिसाब से इसमें कलर कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, मैं डार्क कलर मैंने लिया हुआ है और वही सेम लेयर में हूँ, मैंने लेयर अभी कोई भी चेंज नहीं करी, जिसके लेयर पर मैं लाइट कलर कर रहा था वही सेम लेयर पर हूँ, और वहाँ पर मैं उसके ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर दिया डार्क कलर को।
और दोस्तों आप लोग एक चीज़ तो समझ लिए कि इस टाइप की ये जो एडिटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा टफ एडिटिंग है, क्योंकि ये जो मास्क बनाना है ये हर कोई नहीं बना पाएगा। क्योंकि मैं हर कोई कह रहा हूँ तो मतलब कि ये कि जिसकी प्रैक्टिस है वही बना पाएगा। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी बना लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते। तो आप ये मत कहिएगा कि यार बन नहीं रहा ये वो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बना पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आप जानते हैं कि मैंने कितने टाइम्स में वेक्टर्स बना रहा हूँ और इसको बनाने मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी इससे पहले मैं कई बार मतलब मेरा जो ट्राई अटेम्प्ट करा था वो मेरा गलत भी हुआ था, क्योंकि ना मास्क का शेप सही आ रहा था और ना ही यहाँ पे मैं कलर सही से फिल कर पा रहा था। तो क्योंकि मैंने कई बार अटेम्प्ट करने के बाद मेरा भी फेल हुए तो उसमें तब जा करके फाइनली एक सही आउटपुट निकला यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा भी नहीं बना था, तो आप लोग को भी ट्राई करना पड़ेगा तभी आप ऐसा आर्ट बना पाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो मास्क मैंने बनाया था मास्क को बनाने में 1 आवर 1.5 आवर लग गया था मुझे बनाने में। तो काफ़ी टाइम लगा था और मेहनत भी बहुत लगती है और पेशेंस काफ़ी आपको रहना पड़ेगा तभी आप इसको बना पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को मुझसे इस टाइप का वेक्टर बनवाना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्राइस डिटेल्स बता दूंगा क्या इसके प्राइस और किस टाइप का आपको बनवाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसके प्राइस बता दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी जो मेरे कम्युनिटी टैब पर मैंने एक पोस्ट डाला था ये स्काउट के वेक्टर का, वो मैंने दूसरे एक अपने कस्टमर का बनाया था, तो उसकी इमेज में तो ना उसके पास हुडी थी ना उसके फेस पे मास्क था, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उसको उसमें मास्क ऐड कर दिया था, हुडी बना दी थी और बाल भी स्पाइक्स नहीं थे, नॉर्मल से हेयर थे, उसमें मैंने स्पाइक्स भी ऐड कर दी। तो स्पाइक्स हेयर ऐड करना तो इतना कोई मतलब बड़ा काम नहीं है, लेकिन मास्क और हुडी मैंने उस पर ऐड करी थी, उसकी इमेज में वो शर्ट पहने हुए था और मास्क भी नहीं था। तो इस टाइप की अगर आप लोग के मान ली अगर आपके को भी इमेज बनवानी है और आपके पास ऐसी कोई आपकी इमेज नहीं है जिसमें आपने हुडी पहनी हो या फिर मास्क पहना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे आके कांटेक्ट करिए, मैं आपको बना करके दे दूंगा बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम यही टेक्नो इन्फिनिटी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जा करके आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहीं पर मैं अपनी अपडेट्स और देता रहता हूँ। मैंने वहीं पर बताया था कि मैं ये वाली वीडियो कब अपलोड करने जा रहा हूँ, तो और भी जो यूट्यूब से पहले थोड़ी बहुत अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो कलर काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ये मास्क है इसका हो गया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर अभी मैंने ग्रेडियंट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा है, पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फाइनल कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अभी ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा, क्योंकि सबसे जो मेन रोल है वो उसी का है, उसी के बाद ही जो हमारा मास्क का लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर डार्क और लाइट कलर से हाईलाइट्स और शेडोज़ बना रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डार्क कलर पूरा फिल करा है और यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट का यूज़ करके अब देखिए मैं यहाँ पर कैसे ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए इस टाइप से करना, जहाँ पर मैं ग्रेडियंट डाल रहा हूँ वहाँ पे डार्क कलर है और उसके दूसरा वाला कलर वही है जो उसकी लेयर के नीचे वाला कलर है। आप अगर देखें तो मैं यहाँ पे कैसे, जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि एक डार्क कलर होता है फिर उसके बाद वाला लाइट कलर मैं दूसरे मतलब ग्रेडियंट के जो पॉइंट होता है उस पर लेता हूँ, तो वैसे ही मैं यहाँ पर कलर को यूज़ कर रहा हूँ। और जब आप सिमेट्रिक टूल यूज़ करेंगे तो दोनों पर एक साथ मतलब एकदम एक्यूरेट ग्रेडियंट जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें कैसे ऐड करना है ग्रेडियंट, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं बता दूं जो मैंने ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे एक तरफ डार्क कलर और दूसरी तरफ लाइट कलर है, उसकी मैंने ओपेसिटी कम करी हुई है, वो इस वजह से ताकि हमने जो नीचे उसके कलर्स और जो मतलब डिज़ाइंस बनाए हैं वो विजिबल हो जाएं, जिससे कि हमारा वेक्टर और अच्छा लगने लगेगा, नीचे के जब डिज़ाइन दिखने लगेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे बना रहा हूँ, और ओपेसिटी लाइट रखने से ये होगा कि ओवरलैप होने लगेंगी चीज़ें और नीचे का पार्ट जो मैंने बनाया है वो भी विजिबल रहेगा, तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी इस वजह से। और दोस्तों मास्क बनाते वक्त आपको सिमेट्रिक टूल बस वहाँ तक की यू ले करके रखना जहाँ तक कि आपने मास्क की जो आउटलाइन है जितना पार्ट आप लोगों ने सिमेट्रिक टूल से बनाया था बस उतना ही पार्ट को बनाने के लिए आपको सिमेट्रिक टूल लेना है, बाकी जो मास्क की स्टेप है और जो साइड में स्ट्रिप्स निकली हुई हैं चार, ये सबको आपको सिमेट्रिक टूल से नहीं बनाना, ये ध्यान रखिएगा आप, वरना फिर अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, काफ़ी अजीब लगने लगेगा जो आप बनाएंगे। ध्यान रखिएगा जितना पार्ट आपने सिमेट्रिक टूल को यूज़ करके बनाया था सिर्फ उतने ही पार्ट को कलर करने के लिए आपको टूल को यूज़ करना है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि वीडियो की स्पीड बहुत फास्ट है, कुछ समझ में नहीं आया है, काफ़ी फास्ट है, थोड़ा स्लो करके बनाएं। तो मैं आपको एक सेटिंग बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की सेटिंग भी है कि आप वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, आप उसमें 0.25x तक की स्लो करके देख सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप उसमें, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंप्लीट पूरी वीडियो दे दूं एडिटिंग की जिसमें मैंने हर एक चीज़ को इंक्लूड करा और बिल्कुल भी वो फास्ट फॉरवर्ड ना हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो पूरी वीडियो ही अपलोड कर दूंगा
एक घंटे या फिर 1.5 आवर की वो हो जाएगी वीडियो, लेकिन वो मैं पूरी अपलोड कर दूंगा बिना उसको कोई फास्ट फॉरवर्ड करे या ट्रिम करे। लेकिन बस वही है कि आप लोग फिर उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से, मैं अपलोड कर दूंगा उसको, 4-5 GB का भी अगर साइज़ हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा, बस ये है कि आप लोग देखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों को चाहिए पूरा फुल ट्यूटोरियल जिसमें मैं हर चीज़ एकदम एक्सप्लेन करूँ और एक ही वीडियो में कोई पार्ट नहीं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों ये वाली वीडियो तो मतलब आपको मैंने दे ही दी है, मैंने मतलब लगभग हर टाइप के आपको लोगोस बनाना बताए हैं, अभी आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। अब आप लोग कमेंट करके सजेस्ट करिए मुझे कि किस टाइप की और मैं वीडियोस बना सकता हूँ, तो जो आप लोगों का सजेशन आएगा, जितने ज़्यादा लोग जिस टाइप का सजेशन देंगे उस टाइप की मैं वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा। मैं एक चीज़ ये सोच रहा था, मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले एक कम्युनिटी टैब पर मतलब पोस्ट किया था, उसमें बताया था कि एक ऐसी वीडियो आ रही है जो आज से पहले आप लोगों ने कभी एंड्रॉयड में नहीं देखी होगी, उसमें एक ऐसी एडिटिंग बताऊंगा, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूं अभी तक, समझ लिए वो बन ही नहीं पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मुश्किल है, और मतलब बनने में तो क्या वो बन जाएगी लेकिन अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको बना करके एकदम बढ़िया सा करके ही अपलोड करूँगा, तो ये सारी चीज़ें फंस रही है उसमें, तो वो तो आएगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर आप लोग कुछ मुझे सजेशन दे दें कि आप लोगों को किस टाइप की एडिटिंग चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सजेशन का ज़्यादा मतलब वैल्यू रखता हूँ कि आप लोग जिस टाइप की वीडियो बोलेंगे मैं उसको बना करके दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कह भी रहे थे कि स्काउट जैसा लोगो बना दो, और जैसे अभी आपको मैंने कुछ दिनों पहले डायनामो जैसी ओवरले बनाना बताई थी, मैं ओवरले भी सोच रहा हूँ बनाने की, जैसे OS की है, मॉडल की है, इस टाइप की ओवरले भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही कुछ बढ़िया सा मतलब मिल जाएगा मुझे कंटेंट, बढ़िया सी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी और मतलब आपको किसी का मतलब चैनल आर्ट चाहिए हो या लोगो, किसी भी टाइप की वीडियो हो तो आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और बताऊंगा कि वो बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं हर टाइप का ही मतलब वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा मुझसे, अगर हो पाएगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर करा गया है कि जैसे हम लोग फेस पे तो नॉर्मल वेक्टर आर्ट में आपने जितने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हैं जैसे मैंने बनाया है, वैसे ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि यहाँ पर शेडोज़ का इफेक्ट, लाइट डार्क का, और मैं यहाँ पर सारा एक ही लेयर में काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक लेयर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अलग अलग लेयर्स में काम करिएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ था कि कैसे काम होता है, तो अलग अलग ही लेयर्स में काम करिएगा। और उसके बाद आई में देखिए मैंने वाइट कलर फिल कर दिया, क्योंकि स्काउट के लोगों में भी आई में वाइट कलर है, तो वही यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हुडी बनानी रहेगी, और देखिए यहाँ पर जैसे आप अगर देखें तो थोड़ा सा जो एंग्री मतलब यहाँ पे थोड़ा गुस्से वाला लुक देना है, तो इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ी सी वेन्स जो होती हैं वो टाइप भी यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, तो वो और ज़्यादा अच्छा लुक दे देगा। वरना अगर आपको ये चीज़ ना अच्छी लग रही हो तो आप इसको ना भी बनाएं तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फेस का जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हुडी बनानी है और जो हेयर में डिटेल्स है वो ऐड करनी है, मतलब हेयर में कलर्स ऐड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हुडी में मैं डार्क ब्लू टाइप का जो कलर है उसको मैंने फिल कर दिया। तो देखिए एक यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ कि जो कैप है उसको मैं एक लेयर में बनाऊँगा और जो नीचे की हुडी है उसको मैं दूसरी लेयर में बनाऊँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लेयर में मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ, तो उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी बनाने में। आपको पता ही कि लेयर्स अगर जितनी हम लोग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग काम करने में आसानी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको भी बना दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये हेयर्स में डिटेल ऐड करनी, तो देखिए टेपर्ड ब्रश ले लिया है मैंने, येलो कलर लिया हो उसकी ओपेसिटी कम कर दी है, और यहाँ पर अब आप बस देखिए कलर करना आपको शुरू करना है, मतलब स्ट्रोक लगाने हैं ब्रश के, जैसे जिस पैटर्न में यहाँ पे हेयर फ्लो हो रहे हैं, जिस पैटर्न में हेयर दिख रहे हैं, बस वैसे ही आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी ओपेसिटी लगभग 50-60% कर दिएगा, और उसके बाद यहाँ पर पूरा कलरिंग स्टार्ट करिएगा फिलिंग कलर की। पहले तो लाइट कलर से करना है और उसके बाद आपको थोड़ा डार्क कलर लेना है, डार्क कलर लेने के बाद फिर थोड़ी बहुत और हाइलाइट्स ऐड करनी है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लाइटेस्ट कलर है वो ले करके हल्की हल्की से उसमें हाइलाइट्स लाइट का इफेक्ट और डालना है, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। और आप इमेज में ज़रूर देखिएगा पैटर्न हेयर का, ज़रूर फॉलो करिएगा कि जिस पैटर्न में हेयर फ्लो हो रहे हो वैसे ही आपको बनाना है, तभी जो उसमें रियलिस्टिक और ओरिजिनल लुक आएगा। वरना आप अपने हिसाब से अगर उसमें किसी भी पैटर्न में कलर कर देंगे, स्ट्रोक बना देंगे, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं क्योंकि एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ, मुझे पता है काफ़ी गंदा लगने लगता था वो, तो इस वजह से जिस पैटर्न में इमेज में हेयर
फ्लो हो रहे हो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी कलरिंग करनी है। तो दोस्तों लगभग मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर कर दी है कि आप कैसे स्काउट जैसा लोगो बना सकते हैं, मतलब जो भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ें थी सारी मैंने इस वीडियो में बता दी। बाकी हुडी की जो डिटेल्स है वो तो मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत है बताने की कैसे बनानी, वो तो नॉर्मली आप डार्क लाइट कलर के शेड से बना सकते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आने वाली। वरना अगर आपको नहीं पता कपड़े कैसे बनते तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई उसमें मैंने कपड़े बनाए हैं, तो उनको देख करके उनके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो देखिए आपका लोगो ऐसा शानदार बन सकता है, बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको ट्राई करना है। उसके अलावा मैंने एक और लोगो बनाया था जो मैंने कम्युनिटी टैब पर अपलोड करा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको इस टाइप का लोगो चाहिए हो तो आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बता कि आप इस टाइप का लोगो मुझसे कैसे बनवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।